हर चेहरे की एक कहानी होती है और हर कहानी अनोखी होती है। बिल्कुल आपके चेहरे की तरह हमारे चेहरे अलग अलग होते हैं। हम लोगों को उनके चेहरों से पहचानते हैं। एक इंसान के चेहरे में ऐसी कई विशेषताएं होती हैं, जैसे चेहरे की बनावट, आंखें, नाक आदि, जिनका मेल हर व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाता है। आज फेस रिकॉग्निशन तकनीक आपको लाखों अन्य चेहरों में से पहचान सकती है और ये तकनीक हमारे दैनिक जीवन में मौजूद है। एक चेहरा हमारी कल्पना के परे भी बहुत कुछ कर सकता है ना आश्चर्यजनक। भारत में डोरस्टेप बैंकिंग और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मिशन के साथ AEPS यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ने अब फेस ऑथेंटिकेशन फीचर शुरू किया है। अपने में एक अनूठा ऑथेंटिकेशन प्रकार, जिसमें ग्राहक सिर्फ अपने चेहरे के साथ बैंकिंग सेवाओं और EKYC सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक आवश्यक बैंकिंग सेवा का लाभ उठाने के लिए बैंक जाता है। उन्हें अपने पते का प्रमाण, फोटो ID और कई अन्य दस्तावेज जमा करना आवश्यक होता है। लेकिन आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के लॉन्च के साथ बस अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID बैंक को देना है। बैंक संचालक ग्राहक का चेहरा स्कैन करेगा और हो गया EKYC, कुछ ही सेकंड में पूरा। कितना आसान है ना? और केवल यही नहीं, इस नए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ ग्राहक बैंक खाता खोल सकते हैं। वे आसानी से घर व गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं, अपने बैंक खातों को अपग्रेड कर सकते हैं, पता विवरण और परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं, EKYC ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और अब बैंक कॉरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र अपने चेहरे के साथ लॉगिन कर सकते हैं और बैंकिंग सेवाएं जैसे शेष राशि की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, नकद निकालना आदि प्रदान कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का उपयोग करने के लिए किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि UIDAI में सभी बायोमेट्रिक विवरण पहले से मौजूद हैं जो आपने अपना आधार बनाते समय दिया था। इस तरह से बैंकिंग सेवाएं आसान, तेज और सुरक्षित बनते हैं। अब अगली बार आपको बस अपना चेहरा दिखाना है। AEPS बैंकिंग सेवाएं सहज बनाए, पावर्ड बाय NPCI।